हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक एंड ऑप्शन कंसल्टेंट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी ने किस तरह से काम किया एक्सपायरी के दिन, और हम लोगों ने कौन कौन से ट्रेड लिए, कहाँ इंटर किए, कहाँ एग्जिट किए, इसके बारे में सारी डिस्कशन करेंगे। और साथ में बात करेंगे कि कल फ्राइडे के दिन एक नया एक्सपायरी स्टार्ट होगा, उसके लिए हम लोग अपने चार्ट में कौन कौन से लेवल लगा कर रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपके सामने जो है सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप लोग देख सकते हैं। आज बैंक निफ्टी के चार्ट में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप लोग देखेंगे कि एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, 15 मिनट की कैंडल, ठीक है। अभी ये कैंडल हमारे लिए क्या है, मारुबुजू का कैंडल है। जब इसने बना तो मैंने जो है एग्जैक्ट जो है इसी लेवल पर यहाँ मैंने कॉल बाय किया। बाय करने के बाद इसने जब इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट दिया तो मैंने जितना भी लॉट बाय किया था उसका 50% लॉट और मैंने यहाँ पर फिर बाय किया। और यहाँ पर जाने के बाद ये पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है, ये 41,385 से लेकर 450 तक, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इसने कितनी बार इसी लेवल से इसे रिजेक्शन मिली है, और आज भी इसने 2 टाइम्स यहीं से इसे रिजेक्शन मिली है। यानी ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। यानी हम लोग कल के दिन अगर हम लोग ट्रेड करते हैं, एक लेट ओपनिंग होती है ऐसा मानकर चलते हैं, तो हम लोग 41,470 से ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करे तो हम लोग कॉल ऑप्शन पर बैठेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बढ़िया से बात करेंगे आगे। फिलहाल जो है हम लोगों ने यहाँ पर इस कैंडल से मैंने एक यहाँ ट्रेड किया, उसके बाद यहाँ पर 50% और लॉट को बढ़ाया मैंने। और एग्जैक्ट जो है आप लोग ये कैंडल देख रहे हैं, ये बुलिश पिन मार इसे कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर यह बनने के बाद मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो एक तरह से आप लोग देखेंगे कि बहुत बड़ा मूवमेंट मैंने कैप्चर किया है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, ठीक है। उसके बाद मार्केट जो है अगेन दोबारा कोशिश की इसी लेवल पर, फिर से रिजेक्शन मिल गया, डाउन की तरफ आ गया ये। यानी ये अब हमारे लिए बन गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस पूरा जोन है ये, ठीक है। अब ये हमारे लिए बन गया है कल के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे, तो निफ्टी में भी आप लोग देख सकते हैं कि इसने जो है यहां पर एक बहुत बड़ी मारुबुजू कैंडल बनाई। उसके बाद ये जो ट्रेड लाइन था, इस ट्रेड लाइन को इसने 2 कैंडल आवर देखेंगे आप लोग तो 2 कैंडल आवर इसी ट्रेड लाइन से नीचे बंद हुई, पर इसका ब्रेकआउट हुआ। और ये भी आप लेवल देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक रेजिस्टेंस जोन है, आप लोग देख सकते हैं मल्टीपल टाइम इसमें रेजिस्टेंस लिया गया, और आज भी इसी लेवल पर जाने के बाद इसे रिजेक्शन मिली और डाउन की तरफ मूवमेंट दिया। पर ऑलरेडी मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था, इसीलिए जो है मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया। मैंने इसमें ट्रेड किया डाउन की तरफ से। यहाँ पर ये आप जो कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल जो देख रहे हैं आप, ये बुलिश पिन बार है। ये कैंडल बनने के बाद जब ये कैंडल बनी बेयरिश पिन बार, तो मैंने जो है यहाँ पर एंटर किया, पुट बाय किया मैंने यहाँ पर इन द मनी। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा मैंने एग्जैक्ट जो है इस कैंडल पर मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया, क्योंकि ये भी लेवल हमारा 18,020 का जो लेवल है, ये भी हम अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बट इसे थोड़े से डाउन की तरफ इसका ब्रेकआउट हुआ, ये फेक ब्रेकआउट था, मैंने यहाँ पर यानी टू टाइम्स मैंने यहाँ पर जो है ट्रेड किया। एक बैंक निफ्टी में भी हम लोगों ने ट्रेड किया है और निफ्टी में भी ट्रेड किया है, ठीक है दोस्तों। दोनों में हम लोग जो है प्रॉफिटेबल रहे। बैंक निफ्टी में हम लोगों का था कॉल ऑफ सी बाय किया मैंने, और निफ्टी में मैंने पी बाय किया। आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी में मैंने सी बाय किया था, बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, और निफ्टी में मैंने पुट बाय किया, और इसे भी मैं प्रॉफिटेबल होकर मैंने एग्जिट कर लिया। तो आज के दिन हमारे लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और बहुत ही अच्छा मूवमेंट हम लोग कैप्चर किए हैं। अब बात करते हैं कि कल क्या होगा। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मार्केट या तो थोड़ी बुलिश होगी या एक साइडवेज में होगा। हालांकि ये गैप डाउन ओपनिंग हुई, और डाउन जोन भी आप लोग देख सकते हैं कि कल के दिन डाउन जोन भी है और SGX भी है, ये दोनों नेगेटिव में था। उसके बावजूद जो है हमारा जो है इसी के कारण हमारा जो है इंडेक्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग हुई। बट PCR जो रेशियो है, PCR रेशियो के अकॉर्डिंग हमारा जो है बुलिश ट्रेड बनना था, इसलिए मैंने एक दो डबल कंफर्मेशन, एक तो मारुबुजी बनी, और दूसरी बात कि ये आपके PCR रेशियो में बता रहा था कि आपके साइड मूव देगा। बट ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जिट किया बैंक निफ्टी में। उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था और निफ्टी में भी था, दोनों एक ही रेजिस्टेंस में पहुंचे, इसीलिए मैंने जो है यहाँ पर एग्जिट कर लिया। पुट अब हम लोगों ने बाय किया, इसे भी प्रॉफिटेबल बनवाए। चलिए बात करते हैं कि अब हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, यानी फ्राइडे के लिए हम लोग अपने चार्ट में कौन कौन से लेवल लगा कर रख सकते हैं, उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग क्या है, इस चार्ट को हम लोग जो है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर कर लेंगे, और उसके बाद हमारे लिए 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप लोग जो है सबसे पहले इस लेवल को मार्क करें दोस्तों। ये जो लेवल है, ये लेवल पूरा का पूरा हमारे लिए बन गया एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर ये लेवल का ब्रेकआउट हो,
ठीक है, लेवल कितना है 18,100 का, अगर ब्रेकआउट हो, ये पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी 18,090 से 110 तक का जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस जोन है। इसका ब्रेकआउट होगा तो ही हम लोग एक कॉल ऑप्शन पर बैठेंगे, और हमारा सीधा टारगेट बनेगा, हमारा सीधा टारगेट बनेगा 18,149, एंड सेकेंड टारगेट हमारा बनेगा 18,180, और यहाँ पर हम लोग एग्जिट हो जाएंगे, मैं बताऊंगा क्यों। और उसके बाद 18,200 से ऊपर ही हम लोग एक अगेन एंट्री करेंगे। ये जो है इस लेवल के ऊपर ही हम लोग एंट्री करेंगे अगेन। बात करें शॉर्टिंग की तो अब हम लोग शॉर्ट कब करेंगे, तो ये लेवल को आप लोग मार्क करें अपने चार्ट में। ये बन गया हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट, पूरा का पूरा ही एक जोन है दोस्तों, इसलिए इस जोन के नीचे ही हम लोग शॉर्टिंग करेंगे। इस जोन को आप लोग मार्क कर लें, और हमारा टारगेट कौन सा होगा, हमारा सीधा टारगेट बनेगा ये, एंड दूसरा टारगेट हमारा बनेगा ये बनेगा, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ फिर से कि क्या करना हम लोगों को। देखिए दोस्तों, हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले अभी मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दी है, लेवल हमारा जो है 18,050 के आसपास हमारा निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, ठीक है, इसकी क्लोजिंग हुई है 18,050 के ऊपर। अब हम लोग यहाँ पर मल्टीपल टाइम जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है, यानी आप लोग देख सकते हैं कि 18,090 से 18,110 तक ये पूरा का पूरा क्या है, हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो 18,110 से ऊपर अगर हम लोग 110 से ऊपर अगर हम लोग बाई करते हैं तो हमारे लिए एक 50 पॉइंट हम लोग निफ्टी में अचीव कर सकते हैं। 18,150 हमारा टारगेट होगा फर्स्ट टारगेट, और सेकेंड टारगेट हमारा रहेगा 18,180 होगा, ठीक है। और यहाँ पर इस लेवल पर हम लोग क्या होंगे, एग्जिट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि 18,180 जो कि हाई है, सबसे हाई अभी तक की है, उसके बाद 18,200 पर एक इम्पोर्टेंट कॉल राइटर लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मार्केट को निफ्टी को आपके साइड में जाने नहीं देंगे। तो 18,200 का अगर ब्रेकआउट हो तो हम लोग बैठ सकते हैं 18,300 तक के लिए। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है 18,110 से ऊपर आप लोग एक कॉल बाय करें, स्टॉप प्रॉपर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए, स्टॉप लॉस को आप लोग ट्रेल करते जाए, और आपका टारगेट बनाए, सबसे पहला टारगेट 18,150 एंड सेकेंड टारगेट 18,100, और यहाँ पर इस लेवल पर हम लोग क्या होंगे, एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। बात करें शॉर्टिंग की, तो शॉर्टिंग हम लोग कब कर सकते हैं, अभी मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दी है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग फ्रेश एंट्री यहाँ पर लें, यानी 17,990 ये जो लेवल है, अगर इस लेवल के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज होती है तो हम लोग यहाँ पर एक शॉर्टिंग को पोजीशन बना सकते हैं, यानी हम लोग यहाँ पर पी बाय करेंगे एट द मनी, ठीक है। हम लोग बाय करेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा हमारा 17,935 का, ये हमारा बनेगा फर्स्ट टारगेट, ठीक है। सेकेंड टारगेट की बात की जाए तो हम लोग सेकेंड टारगेट बना सकते हैं, अभी भी बहुत सारी गैप फिल होना बाकी है, इसीलिए हम लोग जो है सेकेंड टारगेट बनाएंगे इस लेवल को। बताता हूँ लेवल कौन सा है, ये अभी गैप फिल होना बाकी है, ठीक है, यानी 17,840 सीधा हमारा सेकंड टारगेट होगा, यानी ये एक बड़ी मूवमेंट हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। मैं फिर से बताता हूँ हम लोग शॉर्टिंग की पोजीशन कब बनाएंगे, हम लोग शॉर्टिंग पोजीशन बनाएंगे अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो, यानी 17,990 इस लेवल का ब्रेकआउट हो तो हम लोग यहाँ शॉर्टिंग की पोजीशन बनाएंगे, और हम लोग का फर्स्ट टारगेट बनेगा 17,935 बनेगा, एंड सेकेंड टारगेट के लिए हम लोग जो है बैठेंगे इस लेवल के नीचे, यानी 17,900 जो है हमारा जो है ये पूरा का पूरा एक जोन है, कहीं यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है, इसे 17,900 से हम लोग अगेन एंट्री करेंगे, 17,900 से हम लोग अगेन एंट्री करेंगे, एक पी की पोजीशन पर बैठेंगे, और हमारा तीर टारगेट बनेगा 17,840, ठीक है। बात समझ में आई दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं ट्रेड लाइन की। ऐसा कोई ट्रेड लाइन जो है इंपोर्टेंट निफ्टी में हम लोग लगा कर रख सकते हैं, तो एक ट्रेड लाइन में बताना चाहूंगा आप लोगों को, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस ट्रेड लाइन को आप लोग मार्क करें। ये ट्रेड लाइन आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत ट्रेड लाइन है, ये कितना खूबसूरत काम कर रहा है, मल्टीपल टाइम इसने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसने ट्रेड लाइन, इसलिए ये ट्रेड लाइन आपके साइड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। कितनी बार इसमें देख सकते हैं आप लोग, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम, आज इसी पर इसने फॉलो कर रहा है, यानी ये ट्रेड लाइन हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन है। अगर डाउन की तरफ से देखा जाए तो डाउन की तरफ से हम लोग ये ट्रेड लाइन को लगा कर रख सकते हैं,
इस ट्रेड लाइन को हम लोग लगा कर रख सकते हैं। ये ट्रेड लाइन हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन है 30 मिनट के। अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर इसे किया जाए तो हमारे लिए आप लोग देख सकते हैं ये ट्रेड लाइन आपके साइड से कितना इंपॉर्टेंट है। डाउन के साइड से आप लोग इसे ऐसे करके लगाएं। चलिए ठीक है, अपने चार्ट में ये ट्रेड लाइन लगा कर रखें। चलिए बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी में हम लोग क्या क्या लेवल लगा कर रख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि किस तरह का मूवमेंट आया, कहाँ मैंने कॉल बाय किया है। अब बात करते हैं कि हम लोग इसमें लेवल कौन सा लगा कर रख सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले इस लेवल को मार्क करें, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए बन चुका है। यह पूरा का पूरा जो है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारे लिए बन गया है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। लेवल कितना मैं बताता हूँ, आप लोग देख सकते हैं मल्टीपल टाइम कितनी बार इसमें रेजिस्टेंस लिया गया है। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया गया, इसी लेवल से इसे रिजेक्शन मिली, फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते 2 टाइम्स, और आज भी यहीं से इसी लेवल से रिजेक्शन मिली। यानी 41,430 का से लेकर 41,480 ये जो है पूरा का पूरा हमारे लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, यानी 41,480 से ऊपर अगर यहाँ पर एक कैंडल क्लोज हो तो डेफिनेटली हम लोग एक कॉल बाय करने के लिए सोच सकते हैं। और हमारा टारगेट कौन सा होगा, तो ये मैं बताता हूँ। हमारा टारगेट बनेगा, फर्स्ट टारगेट बनेगा हमारे लिए 41,565, एंड सेकेंड एंड लास्ट टारगेट हमारा होगा 41,675, जो कि अभी तक का सबसे हाई। बात करें शॉर्टिंग की, तो शॉर्टिंग हम लोग कब करेंगे, हम लोग शॉर्टिंग कब करेंगे, ये जो लेवल है इसे आप लोग मार्क करिए, बन गया हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट। ये पूरा का पूरा हमारे लिए एक है इम्पोर्टेंट सपोर्ट। ठीक है, लेवल कितना है, 218 से लेकर 248 तक, ये हमारे लिए बन गया एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट। यानी इस लेवल का अगर ब्रेकआउट हो तो डेफिनेटली जो है हम लोग कॉल पुट ऑप्शन पर बैठेंगे। और हमारा टारगेट सीधा कौन सा होगा, हमारा टारगेट हो बनेगा 41,110 फर्स्ट टारगेट बनेगा, एंड सेकेंड टारगेट हम लोगों का होगा 41,020 का लेवल, एंड थर्ड टारगेट के लिए हम लोग स्टॉप लॉस को प्रॉपर ट्रेल करते हुए इस लेवल तक के लिए आ सकते हैं। लेवल कौन सा है, ये यानी 40,800, यानी 40,900 हमारा सेकंड टारगेट करने। चलिए मैं बताता हूँ फिर से, हम लोगों को कॉल ऑप्शन पर कब बैठना है, पुट ऑप्शन पर कब बैठना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हम लोग कॉल ऑप्शन पर बैठेंगे, कॉल ऑप्शन पर हम लोग बैठेंगे यदि इस लेवल से ऊपर, लेवल कौन सा, 41,480 इस लेवल से ऊपर अगर यहाँ पर एक कैंडल क्लोज हो तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन पर बैठेंगे और हम सी बाय करेंगे। और हमारा टारगेट कौन सा होगा, हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा 41,570 हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा, सेकंड टारगेट 41,675 हमारा सेकंड टारगेट बनेगा, और यहाँ पर हम लोग होंगे एग्जिट। ठीक है, बात करें शॉर्टिंग की, अगर ये कल के दिन देख सकते हैं कितनी बार इसने यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया गया, कितना इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी मार्केट ऊपर घूम सकता है। इसीलिए हम लोग जो है 41,215 से नीचे, 41,215 ठीक है, इस लेवल से नीचे कल के दिन अगर एक कैंडल रेड कैंडल क्लोज हो तो डेफिनेटली हम लोग यहां पर एक पी की पोजीशन पर हम लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, पी की पोजीशन पर बैठेंगे और हमारा टारगेट होगा 41,110, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे, सेकेंड टारगेट 41,020, एंड थर्ड टारगेट हमारा 40,900 हमारा थर्ड टारगेट होगा। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें क्या करना है, स्टॉप लॉस को हम लोगों को प्रॉपर ट्रेल करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि कोई ऐसा ट्रेड लाइन है हमारे चार्ट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन एक आपके साइड से है, इसे आप लोग मार्क करें। ये ट्रेड लाइन आप लोग देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। डाउन की तरफ से देखा जाए तो ऐसा कोई ट्रेड लाइन है, इस ट्रेड लाइन को आप लोग मार्क करें दोस्तों। ये ट्रेड लाइन हमारे लिए, जो कि मैंने कल के वीडियो में बताया था, ये ट्रेड लाइन भी हमारे लिए डाउन की तरफ से एक इंपॉर्टेंट काम कर सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। बाय दोस्तों, गुड बाय।